एमसीबी जिले में नगर निगम चिरमिरी द्वारा 3.25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा मंगल भवन के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। नियमों को दरकिनार कर बनाए जा रहे मंगल भवन के निर्माण कार्य को संपदा न्यायालय ने रोक दिया है। वन विभाग से लीज पर प्राप्त हुए एसईसीएल की जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। एनओसी लिए बगैर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जिसे लेकर नगर निगम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। मंगल भवन बनना चिरमिरी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, इस पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम था वो, लेकिन नियम सभी नियम पहलुओं को अध्ययन करके उस मंगल भवन को यदि बनाया जाता तो आज कोई कष्ट नहीं होता। ऐसी जब नगरपालिक निगम के सभी अधिकारियों को ये मालूम था कि एसईसीएल की लीज की भूमि है, इस पे कभी भी स्टे लग सकता है। देखिए, जो मंगल भवन निगम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, वह जिस स्थान पे बनाया जा रहा है वो वन भूमि और एसीसीएल की लीज भूमि है, और उस लीज भूमि में नियमता एसीसीएल से एनओसी लेना चाहिए था, किंतु एनओसी न लेकर के केवल तानाशाही पूर्वक महापौर और निगम प्रशासन ने वहाँ पे निर्माण करा रही है। निश्चित रूप से संपदा न्यायालय की जो निर्णय होगी वो तो होगा ही, परंतु हम यही कहेंगे कि जिन 2.75 करोड़ की जो राशि का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, जिस जगह पर मंगल भवन का निर्माण हो रहा है वह वन विभाग की भूमि है, जिसे एसईसीएल ने लीज पे ली हुई है, और एसईसीएल के लीज में कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अवैध है, और इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। मंगल भवन के संबंध में अभी संपदा न्यायालय से स्थगन है, स्थगन होने से अभी कोई कार्रवाई अभी बंद है। तो सर, इसको कब तक ये कंप्लीट होने का है कुछ? अब संपदा न्यायालय उसको वेकेट करेगा तो उसमें काम चालू करेंगे।